नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ एनटीए को आदेश दिया है कि एनटीए शुक्र शनिवार तक सारे रिजल्ट को ऑनलाइन करें और साथ ही साथ रिजल्ट के सेंटर्स का भी एक तरह से उसमें विवरण हो। इसी के साथ बड़ी खबरों में गोंडा में ट्रेन दुर्घटना के बाद इस समय उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस दुर्घटना को लेकर। इसी के साथ कर्नाटक में आरक्षण बिल को लेकर जो अभी सियासत है उस पर भी होगी चर्चा। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से देखेंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले अभी शुरू करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद के साथ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। बीजेपी मुख्यालय में चल रही अहम बैठक, पीएम नीट मामले पर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शनिवार तक जारी करे वेबसाइट पर रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए यूपी में गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी हादसे में दो की मौत, 8 घायल। रेलवे अधिकारी ने कहा लोको पायलट ने एक्सीडेंट के पहले सुनी धमाके की आवाज। रेल मंत्रालय का मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की मदद का ऐलान, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काने वाली टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने विपक्ष को घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टिप्पणियों को बताया गंभीर चिंता का विषय। सुधांशु त्रिवेदी ने दी राहुल गांधी को नसीहत, कहा लोकसभा में विपक्ष के नेता दिखाएं थोड़ी परिपक्वता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की हुई शुरुआत, श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का किया उद्घाटन। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने के मामले में बैकफुट पर कर्नाटक सरकार, बीजेपी ने कसा तंज, कहा प्रदेश में माहौल सत्ता के खिलाफ, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के स्टंट कर रही सिद्धरमैया सरकार। ২০ जुलाई तक पुलिस हिरासत में, विवादों में घिरी महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा। भूमि विवाद केस में हुई कार्रवाई, बीजेपी ने कहा कानून सबके लिए समान। और कल से श्रीलंका में महिला एशिया कप का आगाज, 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कल गत विजेता भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित तो भाजपा मुख्यालय पहुंचे। पीएम वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद पीएम की इन कर्मचारियों से ये पहली विस्तृत मुलाकात है। ये मुलाकात इन कर्मचारियों की दिन रात मेहनत के प्रति आभार प्रकट करने के लिए है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और खबरों में आगे बताते हैं, प्राइवेट नौकरियों के लोकल को आरक्षण देने के मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार अब बैकफुट पर है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% आरक्षण को एक तरह से डी कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आरक्षित किया है, और इसको लेके उद्योग जगत एक बड़ा विरोध कर रहा था, जिसके बाद से इस बिल को वापस लिया गया है। हालांकि कई ऐसे पक्ष भी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सिद्धरमैया सरकार को इस तरह के बिल को लेकर राज्य में आने की जरूरत पड़ी।
प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने से जुड़े विधेयक पर कर्नाटक सरकार संसद में फंस गई है। विवाद खड़ा होने के बाद राज्य सरकार की ओर से इसका बचाव किया जा रहा है, तो उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने इस प्रस्तावित आरक्षण पर गहरी आपत्ति जताई है। वहीं बिल पर तकनीकी उद्योग के शीर्ष लॉबी समूह नेस्कॉम ने चिंता जताई है। नेस्कॉम ने कहा कि यह कानून प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की बढ़त को खत्म कर देगा और अब तक हुई प्रगति को समाप्त कर देगा। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और मंत्री नारा लोकेश ने प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम आपकी निराशा को समझते हैं, हम विशाखापत्तनम में अपने आईटी सर्विस एआई और डाटा सेंटर क्लस्टर में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और 24 घंटे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी आईटी कंपनी के लिए बेहतरीन स्किल टैलेंट ऑफर कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सरकारी प्रतिबंध के। आंध्र प्रदेश आपके स्वागत के लिए तैयार है, कृपया संपर्क करें। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में माहौल सत्ता के खिलाफ है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के स्टंट सिद्धारमैया सरकार कर रही है। केवल नाटकबाजी है, इश्यू डाइवर्ट करने के लिए ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल सीएम सिद्धारमैया जी के खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है, उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा को लेकर गंभीर हैं। इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, वे ध्यान भटकाने के लिए रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। He tweets, again he deletes the tweet, again he make a U-turn. So this confusion clearly indicates that Chief Minister is not serious about this issue. He is only exploiting the situation, trying to play with the emotions of the Kannadigas. But urge Honorable Chief Minister to take everybody into confidence and bring back the bill at the earliest. बहरहाल प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर सिद्धारमैया सरकार का चौतरफा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के निवासियों की जवाबदेही भी एक बड़ा सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक चुनाव में जो बड़े वादे किए और खासकर युवाओं से जो रोजगार को लेकर जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए एक बिल लेके आए। हालांकि इस बिल को लेकर एक बड़ा विरोध हुआ और इस विरोध के बाद अब इस पूरे बिल को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है समझना कि आखिर ये बिल कहता क्या है। स्थानीयों के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का ये एक बिल था, कर्नाटक सरकार का ये बिल था, और बड़े विरोध के बाद इस बिल को वापस लिया गया है। बिल का नाम था कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। तो किस तरह से स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है इस बिल में, अगर ये बिल कानून बनता है तो इसके दायरे में सभी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियां और प्राइवेट संस्थान आएंगे। और इसी को लेकर उद्योग जगत ने एक बड़ा विरोध किया था। किस तरह से इस बिल के और प्रावधान है, प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य हो जाता इस बिल के आने से। इस बिल में जो अन्य प्रावधान है, बिल में प्राइवेट नौकरियों में मैनेजमेंट के 50% और नॉन मैनेजमेंट के 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षित करता, यानी कि उनकी भर्ती अनिवार्य हो जाती। ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी के पदों पर 100% भर्तियां स्थानियों की होंगी, ये कहता था ये बिल। और इस बिल को लेके जो विरोध लगातार हो रहा था वो भी हम आपको आगे बताते हैं। इस बिल में लोकल की परिभाषा दी हुई है। इस लोकल की परिभाषा में बिल के मुताबिक स्थानीय उसे माना जाएगा जिसे कन्नड़ भाषा बोलनी लिखनी और समझ में आती हो। इसी के साथ कम से कम 15 साल से कर्नाटक का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ये किस तरह से लोकल की परिभाषा दी गई है, अगर किसी स्थानीय ने 10वीं क्लास कन्नड़ भाषा में पास नहीं की होगी तो उसे कर्नाटक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना जरूरी होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान जो लोकल किस तरह से तय होगा। कंपनी या मैनेजर कानून का उल्लंघन करती है तो 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा उन कंपनियों पर जो इसकी अवहेलना करते अगर ये बिल आता। तो ये तमाम वो प्रावधान थे। विवाद बढ़ने पर बिल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, इसे ठंडे बस्ते में कर्नाटक सरकार ने डाल दिया है। हालांकि कर्नाटक सरकार के कुछ मंत्रियों का ये कहना है कि हम आगे जाकर इस पे भविष्य में इसको हम लेकर आएंगे। कर्नाटक सरकार के फैसले से औद्योगिक घराने नाखुश हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और उस नाराजगी में कई ऐसे पहलू हैं
जो देश के आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम है। निजी क्षेत्र के विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने बिल पर रोक लगाई है, तो बड़ा विरोध निजी क्षेत्र ने किया, तमाम उन कंपनियों ने किया जिनमें कि एक तरह से बैंगलोर कर्नाटक की विकास दर अगर हम बात करें तो उसकी जो आर्थिक गति है, रफ्तार है, उसके लिए उन्होंने कहा कि किस तरह से ये बिल एक बड़ा रुकावट साबित होगा। औद्योगिक निकायों का कहना है कि प्रस्तावित 100% आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है, तो न सिर्फ देश के विकास की रफ्तार को धीमी करता है ये बिल, बल्कि ये बिल असंवैधानिक है, ऐसा कहना है उद्योग जगत का। कानून के जानकार इस विधेयक को असंवैधानिक बता रहे हैं और असंवैधानिक बताने के जो तर्क हैं, जो वजह है, वो भी आपको बताते हैं। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है ये बिल। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि जो सभी नागरिकों की समानता की गारंटी देता है, यानी कि राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है ये बिल। इसी के साथ अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने और काम करने का अधिकार है, तो इन दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ये बिल, ये कहना है उद्योग जगत का और साथ ही साथ कानून के जानकारों का। अब आइए ये बताते हैं कि इस बिल को लेकर उद्योग जगत के जो बड़े एक तरह से प्लेयर्स हैं उनका क्या कहना है। ब्रांड एक्सपर्ट हैं हरीश बिजूर, उनका कहना था जिस बैंगलोर ब्रांड को हम देखते आए हैं उसके लिए ये झटके की तरह है, कन्नड़ को बोलने और ज़्यादा लोगों की ओर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि जिस बैंगलोर की एक छवि एक लंबे एक तरह अरसे में तैयार की गई है, लेकिन ये सब अचानक नहीं किया जा सकता, इसके लिए मीडियम से लेकर 10 साल तक की योजना के साथ आना चाहिए। इस बिल को एकदम से नहीं लेके आया जा सकता, इसके लिए एक पूरी कार्य योजना तय की जानी चाहिए। आइए देखते हैं अन्य उद्योग जगत के लोगों का क्या कहना है। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ने भी यही कहा है, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हब के लिए हमें काबिल लोग चाहिए, हम टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये उनका कहना है। नौकरियों में स्थानीय लोगों को जगह देने के लक्ष्य से इस क्षेत्र में हमारे नेतृत्व पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये किरण मजूमदार शॉ का कहना। उन्होंने कहा कि अच्छे स्किल वाली भर्तियों को इस पॉलिसी से अलग रखना चाहिए, यानी कि एक जो टेक्नोलॉजी हब के तौर पर बैंगलोर स्थापित हुआ है उस पर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। नैसकॉम का कहना है कि वैश्विक स्तर पर काबिल लोगों की भारी कमी है, बड़ी तादाद होने के बावजूद कर्नाटक भी इससे अलग नहीं है, इसके बावजूद भी तकनीक क्षेत्र जीडीपी में 25% की हिस्सेदारी रखता है भारत में, ऐसे में इस तरह का बिल परेशान करने वाला है जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर होगा बल्कि यह राज्य की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो क्योंकि बैंगलोर में निवेशक ज्यादा आते हैं इसलिए इस संदर्भ में ये बात कही गई है। इंफोसिस के पूर्व CFO बी बाला कृष्णन ने कहा कि बेंगलुरु में IT सेक्टर में काम करने वाले 40% लोग दूसरे राज्य से हैं, यहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है, तो एक अच्छे इकोसिस्टम को इस बिल को लाकर उसे खराब न किया जाए, इसी कारण इंडस्ट्री काबिल लोगों को आकर्षित कर पाई है, अगर आप इसे बर्बाद कर देंगे तो इसे दोबारा खड़ा करना मुश्किल होगा। तो ये कुछ उद्योग जगत के बड़े चेहरों का, उनका ये मानना है कि बैंगलोर एक लंबे समय के बाद अपनी एक छाप बना पाया है। और आइए ये भी बताते हैं, कर्नाटक पहला राज्य नहीं है, तो पिछले राज्यों में जब इस तरह के प्रावधान किए गए तो उसका क्या असर रहा है। अब तक 6 राज्यों ने इस तरह का ऐलान किया है, तो कर्नाटक के साथ साथ अन्य राज्यों में हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र और महाराष्ट्र ने भी इस तरह का ऐलान किया है। और इस तरह के ऐलान करने के बाद क्या इनका जमीन पे कोई असर हुआ, तो ये भी सुनकर हैरानी होगी कि निजी नौकरियों में 75% तक स्थानीय लोगों को आरक्षण का ऐलान तो इन राज्यों ने किया है, लेकिन ज्यादातर मामले जो ऐलान किए गए वह या तो कोर्ट में अटके हुए हैं या इन पर जमीन पर काम नहीं हो पाया है। तो इस तरह के ऐलान किए जरूर जा रहे हैं, किसी भी राज्य में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। और एक तरह से हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अदालतों ने भी क्या कहा है। अदालत ने कई मामलों पर इसका संज्ञान लिया है और बहुत साफ ये कहा है कि किस तरह से ये व्यवस्था नहीं तैयार की जा सकती है, ये व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। और इसी पर आज हमारा विशेष भी आधारित है, प्राइवेट सेक्टर में कोटा मामले पर कर्नाटक सरकार घिरी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवैधानिक विशेषज्ञ DK दुबे और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर आज हमारा विशेष है निजी क्षेत्र में कोटा घिरी कर्नाटक सरकार।
और आप दोनों का ही स्वागत है। शुभम भाई, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि उद्योग जगत की बड़ी नाराजगी का एक बड़ा असर ये देखा गया कि कर्नाटक सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा है, तो किस तरह से आप देखते हैं जो तमाम उद्योगपति अपनी अपनी बात कह रहे हैं, बड़े प्लेयर्स टेक्नोलॉजी के इस बात को रख रहे हैं, क्या बड़ा असर आप देखते हैं इस तरह के बिल से कर्नाटक जैसे एक टेक्नोलॉजी हब वाले राज्य में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये वाली आइडिया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए, इस मामले को लेकर ये जो एक, जैसे आपने बताया कि कई राज्य भी पहले इसका इस रास्ते पे चल चुके हैं, ये एक जिसे कहते हैं ना बैड प्रेसिडेंट, एक के बाद एक चलता जा रहा है और ये सच में इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमारे देश में हम जहाँ पर कह रहे हैं कि रोजगार सुविधा की बात हो रही है, हम लोग डेली आलोचना करते हैं कि रोजगार की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो हम जैसे ही ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ला देंगे तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे अगर कोई लोग नहीं मिलेंगे तो हम अकॉर्डिंगली बताएंगे कि भाई रोजगार के लिए, रोजगार भले ही अब ना मिले लेकिन हम जब तक स्थानीय लोग नहीं मिलेंगे तब तक हम एम्प्लॉयमेंट बंद करके रखेंगे। तो ये जिस देश में हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, केंद्र सरकार जहाँ पे कैपेक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी जगह, वो सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है उन सब के ऊपर एक रोक आ जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ख़ासकर इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेज जैसे कर्नाटक में। जी, डीके दुबे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, किस तरह से इसे असंवैधानिक कहा जा रहा है और आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का उल्लंघन ये बताया जा रहा है? अदालत ने इससे पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के एक प्रदीप जैन मामले में भी अपना फैसला दिया था, तो आप किस तरह से कर्नाटक सरकार के इस बिल को क्या उस फैसले से अलग देखते हैं, या जो अन्य राज्यों में रहा उसी सिलसिले में कर्नाटक सरकार का ये बिल भी आप देख रहे हैं? देखिए, जब भी कानून कोई बनता है तो उसके दो पहलू हैं, पहला तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, दूसरा उसका इम्प्लीकेशन कैसा होता है। इम्प्लीकेशन के विषय में अभी हम लोगों ने बात की। संवैधानिक रूप से भारत में एक नागरिकता है, एक राज्य देश का ऐसा था जिसको आप जम्मू कश्मीर कहते हैं, उस राज्य में आर्टिकल 35 कैपिटल इसी तरह की व्यवस्था करता था कि राज्य के लोगों को अधिकार देता था, बाकी लोगों को अधिकार नहीं देता था, या राज्य सरकार घोषित करेगी कि वो किसको अधिकार देना चाहती किसको नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अभी हाल ही में उस पूरे के पूरे कानून को, आर्टिकल 35 कैपिटल ए को असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि वो राज्य सरकार डिस्क्रिशन इस्तेमाल करती। जिस समय आर्टिकल 19 में हमने ये कहा कि आपको कहीं भी आने का, जाने का, रहने का, सेटल होने का, ट्रेड करने का, प्रोफेशन करने का और आपको कोई भी व्यापार करने का पूरे देश में ए से लेके जेड तक आपको अधिकार है, ऐसी परिस्थिति में मैं अगर एक व्यापारी हूं और कोई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट लेने आता है तो राज्य सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं किसको एम्प्लॉयमेंट दूंगा और किसको नहीं दे सकता, मैं किसको रखूं किसको नहीं रखूं, क्योंकि ये जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उतना ही राइट इंडस्ट्रियों को भी दिया है और उतना ही अधिकार राज्य सरकारों के खिलाफ भी दिया है। ऐसी परिस्थिति में जब ये कहा जाए कि नहीं हम राज्य को एक विशेषाधिकार देंगे तो मुझे लगता है कि ये वायलेशन प्रमेय फसाए कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है। आर्टिकल 14 की बात अभी आपने कही, आर्टिकल 14 में भी हमने यही कहा है कि पूरे के पूरे देश में सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, भारत में एक नागरिकता है, एक नागरिक को पूरे देश में एक सा अधिकार है और एक से उसके ऊपर लाइबिलिटी बनती है। इसलिए जब आप देश के नागरिकों को राज्यों के आधार पर विभाजित करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म की बू आती है और वही बू आती है जो आर्टिकल 35 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री करवा के जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा था। इसलिए बेसिकली ये गलत है और लिटिगेशन इस पर बहुत सारी हो चुकी है। आपको याद होगा एक आंध्र प्रदेश का केस हुआ था, पीवी नरसिंह राव साहब वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तेलंगाना के लिए उन्होंने कुछ विशेषाधिकार दिए थे। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप राज्य के अंदर भी कोई डिस्क्रिशन नहीं कर सकते किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के आधार पर कि हम इस पार्टिकुलर क्षेत्र में कुछ रिजर्वेशन देना चाहते हैं, कुछ हम उनको राहत देना चाहते हैं। ये वैधानिकली बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका और कई एक जजमेंट ऐसे हो चुके हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की रूलिंगें दी हैं। इसलिए बेसिकली कर्नाटक सरकार ने जो किया है वो मुझे लगता है केवल अपने लोगों को एड्रेस कर रहे होंगे, इससे कुछ नहीं। उनको सबको मालूम है कि ये अवैधानिक है, इसमें बहुत जान नहीं है।
दुबे जी, आखिर क्या वजह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1984 में प्रदीप जैन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ कहा था कि मूल निवासी उम्मीदवारों को कुछ प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं हो सकता और इससे गैर निवासियों को बाहर नहीं रखा जा सकता। फिर क्या वजह है कि राज्य सरकारें इस तरह के बिल को या फिर इस तरह के प्रावधान को लेकर आती हैं जनता के बीच में? क्या ये शुद्ध मतलब चुनाव को देखते हुए या अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए सिर्फ है, राजनीति को साधने के लिए? देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि अवैधानिक है और राज्य सरकारों सबको मालूम है, राज्य सरकारों को मालूम है, उनके ऑफिसर जिन्हें बनाया होगा उनको भी मालूम है कि अवैधानिक है और कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। दूसरी बात, जहां तक आप कहते हैं प्रदीप जैन की, प्रदीप जैन के केस में और अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था भारत में एक डोमिसाइल है और वो भारत की डोमिसाइल है, इसलिए राज्यों को डिस्क्रिशन करने का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है, और अधिकार है तो वो केवल क्लास फोर की सर्विसेज में है। जो क्लास फोर की सर्विसेज रहती है जनरली किसी और मामले में, और क्लास फोर की भी वो सरकारी जॉब की बात करी गई है उसमें, बाकी किसी भी मामले में आपको राज्य के निवासियों के आधार पर खास तौर से एम्प्लॉयमेंट के मामले में आपको अधिकार नहीं है। अब बात आती है कि क्यों, तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई जो 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 पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स अपने आप को एड्रेस करती है, उसको मालूम है कि ये टिकेगा नहीं, फिर भी एड्रेस करती है और बाद में ठीकरा फोड़ देगी कोर्ट के ऊपर और कहेगी कि साहब कोर्ट ने नहीं टिकने दिया, हम तो ऐसा चाहते थे कि हम राज्य में ऐसा करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वो तो पैन इंडिया पार्टी है, वो कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, और वो पैन इंडिया पार्टी क्या शो करना चाहते हैं, क्या वो ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश के निवासी कहीं के भी हों वो कर्नाटक में जाकर जॉब नहीं कर सकते, क्या वो बताना चाहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति कर्नाटक में अगर जाकर अपना व्यवसाय करेगा तो वो अपने यहाँ से या अपने मनमाफिक वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता या लोगों को नहीं कर सकता? क्या बाकी देश के लिए कांग्रेस की वहां की सरकार ये इंडिकेशन दे रही है कि आप ध्यान रखिए कि कर्नाटका में हमारी सरकार है, बाकी देश को हम वहां से बाहर करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उनको इस पर जवाब देने चाहिए जिन सरकारों ने इस प्रकार के प्रावधानों को लेकर आए हैं। शुभमोय साहब, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलके निवेश को बढ़ाकर, और एक ये एक तरह से ये सच्चाई है आज की तारीख में वैश्विक अर्थव्यवस्था की कि कोई एक अकेला नहीं चल सकता, सबको साथ लेके ही चलना है। ऐसे में जब विकास की रफ्तार भारत की बेहतर कर रही है और कर्नाटक जैसा राज्य जहां बेंगलुरु टेक्नोलॉजी हब के तौर पर एक लंबे सफर के बाद अपनी एक छवि उसने स्थापित की है, इस तरह का बिल कितना बड़ा नुकसान लेके आता है? अगर जो वो लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हब के लिए आपको टेक्निकली साउंड लोग चाहिए, तो इसमें आप इस तरह के ब्रैकेट के साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, और ऋतु जी, खासकर अगर मैं मानता हूँ कि बात की शायद ये सिर्फ ऑप्टिकल हिसाब से किया गया था कि ये कोर्ट में नहीं टिकेगा, लेकिन हमारा मंशा था, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत डेंजरस मंशा है। क्यों? क्योंकि हम जब मांग रहे हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में कि हमारे देश में FDI ज़्यादा आए, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स लगे, तो उस वक्त अगर हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें हम एक ऐसा एक्सक्लूशनरी टॉप सब्जेक्ट को लेकर सिस्टम लेके लाएंगे तो ज़रूर ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम अगर कोशिश करेंगे बाहर से या देश के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट्स लाने के, तो इन्वेस्टर्स एक दुलाचाल में आ जाएंगे कि भाई हम करें तो क्या करें, हम इसमें लगाएं कुछ में लगाएं तो इन्वेस्टमेंट्स में भी डिले हो जाता है, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट बन जाता है। ये कहना कि भाई ये कोर्ट में अगर रिजेक्ट भी कर दिया तब भी ये मामला उठाने से ही एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल किया जाता है। ये कह रहे हैं कि ये मंशा किसी देश में एक राज्य की जब सामने आएगी, तो जहां हम देश के विकास की रफ्तार की लगातार बात कर रहे हैं, तमाम आर्थिक सुधारों से हमने बहुत सारे रैंकिंग्स में सुधार किया है, तो उसमें एक ये बहुत खराब और एक बड़ा ही गलत संदेश देता है बाहर निवेशकों को। जी, बहुत ही ज्यादा गलत देता है, क्योंकि उसमें एक क्योंकि इन्वेस्टर्स को आप ये नहीं कह सकते कि आप भूल जाइए ये चीज़ हुआ था कोर्ट में गया था, ये कोई भूलता नहीं है, सबके याद रहता है कि भाई ये आइडिया ये आया था, इस पर डिबेट हुआ था, उस वक्त उन्होंने स्टेप बैक लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि शायद हम फिर से करेंगे, तो बहुत सारे इफ्स बट्स नोज वगैरह आ जाते हैं, और एक बार अगर वो चलता है तो दूसरे जगह पे जहाँ पे ये इफ्स एंड बट्स नहीं है तो वो कहेंगे कि भाई आप आ जाइए, तो ये एक जिससे कहते हैं अपने वो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात है कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। दिस ये वाला चीज़, ये जो मैसेज जो चला गया ना,
ये बहुत बड़ा ख़राब चीज़ है और मैं इसको मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। आप बहुत सारे पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ साथ इस तरह के पॉलिसी स्टेटमेंट जो रिजेक्ट होते हैं होने के बावजूद भी छाप छोड़ जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए खराब चीज़ बन के आज सामने रहता है। तो जिसका मतलब है शुभ मोही जी और डीके दुबे साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये गैर वैधानिक भी है, साथ ही साथ किस तरह से भारत की जो एक आर्थिक विकास की रफ्तार है उसमें एक बड़ा एक तरह से रोड़ा कैसे ये बन सकता है ये पूरा बिल, और संकेत इसने एक बड़े खतरनाक दिए हैं कि एक देश का विकास की रफ्तार बेहतर होने के बाद अगर राज्य इस तरह के कोई बिल लेके आ सकता है तो निवेशकों के लिए सोचने का विषय बनता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लड़की वाली बोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट स्वाद से सबको दीवाना कर दे दीवाना कर दे। पता का चाय गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला MDH। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में हुए कथित घोटाले को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं ईडी और सीबीआई द्वारा मामले की जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम में कथित तौर पर 180 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला हुआ है। SIT द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। Avoiding the death note points, whichever wants that only telling. Main person, accused person is the minister, ex-minister, and the one MLA, ex-Daggal. So he is not mentioning his name. So because the record in the assembly, CM statement record has to go to the assembly record, but he is avoiding, but he fear. About yesterday ED given a press note, this money gone to Ballari election, MP election for the liquor purchase and distribution of the money. Directly they given the press note. So means this government have no right to sit in the assembly. They have to resign, CM has to resign. CBI inquiry must be immediately the government have to give the CBI inquiry. That is our demand. सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि पारदर्शिता के लिए वह अपनी वेबसाइट पर नीट UG परीक्षा में सभी छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करे, साथ ही छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की है। प्रधान न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और ये घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये बात तो साफ है कि पटना और हजारीबाग में पेपर के सवाल पहले ही स्टूडेंट्स को मिले हैं। इस बीच सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। इन छात्रों में चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन शामिल हैं। इनमें 3 छात्र चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि 1 डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। चारों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकता है। तकरीबन 4 घंटे की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील जयेश उन्नीकृष्णन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। मामले में पेपर लीक हुआ है और इस बात की पुष्टि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें भी दिखी। और भी कई पक्षों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्क सवाल किए, चाहे वो एनटीए से हो, चाहे याचिकाकर्ताओं से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर सवाल करने की बात हो। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता जयेश उन्नीकृष्णन जी है। नीट के मामला बहुत ध्यान से आज सुनवाई हुई, बहुत लंबे सुनवाई हुई, पूरे दिन उसके बारे में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है आज, जो कहते हैं कि नीट के जितने भी बच्चे हैं उनकी सबकी रिजल्ट वेबसाइट में, एनटीए की वेबसाइट में सेंटर वाइज पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सैटरडे 12 बजे तक उसको पब्लिश करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पारदर्शिता वाली एक जजमेंट है ये, क्योंकि नीट के बारे में जितना एलिगेशंस चल रहे हैं सोशल मीडिया में और जनसामान के मन में, तो आज की सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से उसमें पारदर्शिता लाया गया है। और दूसरा, दोनों तरफ को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा है कि नीट में कुछ गड़बड़ हुई है, इन द सेंस सिस्टमिक फेलियर। जिस तरह से आज एनटीए से सवाल किए गए, खासे तीखे सवाल माने जा सकते हैं, जब ये बात स्वीकार की गई कि हाँ पेपर लीक हुआ है, कितना व्यापक तौर पे हुआ है ये बाद में तय किया जाएगा। दूसरी बात, जब सीबीआई की बात आएगी तो सीबीआई भी लगातार इस पर जाँच कर रही है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, जो आज की बहस है उसको देखते हुए? एनडीए की तरफ से ये पहले बताया जाने की कोशिश किया था, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, कि एक वन ऑफ इंसिडेंट है, कि कई कई कोई कोई सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या वहाँ पे किसी ने इसको लीक करने की कोशिश किया है या लीक हुआ है। और जहाँ तक सीबीआई के सवाल है, सीबीआई ने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं एकाध एक्यूज को इस मुकदमे से लेके, तो एनडीए के थोड़ा रुख बदलते हुए देखा, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें हर जगह हुआ है और ट्रांसपेरेंसी वाली सवाल उठ गई है, तो एनटीए भी सिस्टम को ठीक करने की बातें चल रहे थे। तो इसका मतलब नॉर्मली जैसे एडवर्सरियल लिटिगेशन होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आज उससे अलग देखे इस देश की बच्चों की भविष्य के बारे में दोनों पक्ष को चिंता करते हुए देखा, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आज की सुनवाई हुई है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सोमवार को एक बार मामले की फिर से सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय जरूर सुना सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश की गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गोंडा में झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। हादसे में दो लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए हैं। वहीं लोको पायलट के मुताबिक हादसे से पहले उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी थी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल बचाव और राहत कार्य जारी है। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों सीएचसी पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेलवे ने हादसे पर सीआरएस जाँच के अलावा उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। घायलों को मनकापुर और गोंडा के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने हादसे में मृतकों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से और कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की है। ये समय आप दृश्य देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पहुंचे और एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से ये विशेष मुलाकात थी। हालांकि हम देखते रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव और तीसरी बार बीजेपी नीत एनडीए जब सत्ता में आई, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए, उस जोश को और बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की ये जो एक तरह से वो भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं, तो विशेष तौर पर एक लंबे समय से भाजपा मुख्यालय में जो कर्मचारी जो सहयोगी काम करते रहे हैं, जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये उनके साथ विशेष बातचीत और उनके हालचाल, उनके साथ अनुभवों को साझा करने का एक तरह से आज एक ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री का भाजपा मुख्यालय पहुंचना विशेष माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ मिलने के लिए पहुंचे, और ये वो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी मुख्यालय में लंबे समय से काम करते रहे हैं, साथ जुड़े रहे हैं। ये कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात नहीं हो पाई थी तब 2024 के अभी हाल ही में 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे, उस समय वो मुलाकात नहीं हुई थी। तो आज विशेष मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की भी शुरुआत की और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीपी के जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक पुस्तिका भी जारी की। बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है। ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है।
बैठक को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कामयाबी पाई है और इसे एक अभियान का रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी मादक पदार्थों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सात अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो रही और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। गृह मंत्रालय ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसके माध्यम से संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय और जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। 35 साल से कम उम्र के बच्चे इस लड़ाई में साथ दें और 35 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इस बात की चिंता करें कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है। 2047 में नशा मुक्त भारत के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसा समन्वय हो ताकि इस देश से नशे के कारोबार पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें अभी बाकी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। अच्छे भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिला ही देते हैं। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैके जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए यूपी सरकार ने इस बार सभी होटल ढाबों के संचालकों को निर्देश दिया है कि अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में और क्या वो बेचते हैं उसे अंकित करें, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता विकास सिंह की एक खास रिपोर्ट। सावन का महीना आ रहा है और अब दिखेंगे हमें कांवड़ यात्री। कांवड़ यात्रा लेकर दूर दूर से ये कांवड़ यात्री आते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है।
ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खानपान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रा अब से कुछ दिनों बाद 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशासन सड़कों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए 72 घंटों के अंदर गड्ढों को भरने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि हर वर्ष 10-15% कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है। वहीं सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस बार हमने सभी रोड की व्यवस्था, सभी जगह पेयजल, सभी जगह लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और शिविरों के जो भी लगाएंगे आयोजक और शिविर जो लगाएंगे उनके साथ बैठक हम लोगों ने कर ली है। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है कि स्मूथली उनको परमिशंस मिल जाए। विद्युत सुरक्षा सभी शिविरों को और सभी जगह को चेक कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए भी बोला गया है कि जब भी शिविर लग जाए तो उनकी भी प्रॉपरली खाने की क्वालिटी और सब देखें। प्लास्टिक फ्री रखने के लिए कांवड़ यात्रा को सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे। और इसके अलावा सिक्योरिटी को देखते हुए सभी जगह पे जोन्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट्स और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भक्ति भाव का एक अलग ही रंग दिखता है और इस रंग में भोलेनाथ की भक्ति में कोई खलल न पैदा कर सके, इसके लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। और साथ ही साथ कांवड़ियों से भी कहा है कि जो मानक तय किए गए हैं उसी के आकार के डीजे बनाए जाए, उसी के आकार की कांवड़ निकाली जाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए तमाम सारे विभाग मुस्तैद रहे, जिला प्रशासन मुस्तैद रहे। जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्री निकलते हैं उनको भोले की भक्ति में कोई असुविधा ना हो। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में, होंगी खबरें अभी और भी, देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स ओटीपी सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षित, ऑलराउंडर। ओके भाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। और विवादों में घिरी महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की मां मनोरमा खेटकर को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले मनोरमा खेटकर की एक किसान को रिवॉल्वर से धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और जिसके बाद पुलिस ने मनोरमा के खिलाफ ये एक्शन लिया है।
विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों उनकी मां मनोरमा भी तब विवादों में आई थी जब उनके हाथ में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पूजा के माता पिता फरार हो गए थे। मनोरमा की तलाश कई जिलों में की जा रही थी। फाइनली पूजा की मां को रायगढ़ के पास महाड़ से हिरासत में लिया गया है, जहां वह एक होटल में रुकी हुई थी। उन्हें हमने सुबह में महाड़ से डिटेन किया है। शी इज ऑन हर वे और अब हम उनसे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए समान है। कानून के सामने कोई भी हो, चाहे वो आईएएस अफसर हो, उसके परिवार वाले लोग हो या नेता अभिनेता कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है। महाराज की भूमि में हम किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक पूजा खेड़कर की बात है, उस पर भी केंद्र सरकार की ओर से, महाराज सरकार की ओर से तफ्तीश जारी है। बता दें कि पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो के कारण हुई है, जिसमें उन्हें पूरे जिले के मुलशी गांव में जमीन विवाद को लेकर स्थानीय किसानों से झगड़ा करते हुए पिस्तौल लहराते हुए दिखाया गया है। मां के अलावा पूजा खेड़कर के रिटायर्ड पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं। पूजा के पिता साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MRIBS के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाए और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में शून्य खुराक वाले बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें कोई टीका नहीं मिला है, उनकी संख्या अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिसेफ की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है कि यूनिसेफ की हाल की आई रिपोर्ट देश में टीकाकरण डेटा की अधूरी तस्वीर पेश करती है, क्योंकि रिपोर्ट में तुलनात्मक रूप से देशों के जनसंख्या आधार और टीकाकरण कवरेज को ध्यान में नहीं रखा गया है। बात भारत की करें तो देश में सभी एंटीजन के लिए प्रतिशत कवरेज वैश्विक औसत से अधिक है। ज़्यादातर एंटीजन के लिए कवरेज 90% से अधिक है। वहीं बात अगर दुनिया के उच्च आय वाले अन्य देशों की करें तो जर्मनी और फिनलैंड में DPT3 की डोज 91% बच्चों को दी गई, लग्जमबर्ग में MCV2 की खुराक 90% बच्चों को दी गई, आयरलैंड में PCV3 की डोज 83% बच्चों को दी गई, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्थ आयरलैंड में रोटासी की डोज 90% बच्चों को दी गई। भारत में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में शून्य खुराक वाले बच्चे देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.11% हैं। देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए पूरे देश में टीकाकरण करने वाले बच्चों की संख्या यहां सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 93.23% है। भारत में हर साल 1.2 करोड़ टीकाकरण सत्रों के माध्यम से 2.6 करोड़ बच्चों व 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है।
राष्ट्रपति भवन पर प्रकाशित प्रकाशन विभाग की पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की का आज लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच भाषणों और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कहानियों को लिखा गया है। इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग ने खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा है। पुस्तक का विमोचन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित चार पुस्तकों का राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने चारों पुस्तकों का ई बुक संस्करण भी लॉन्च किया है। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पुस्तक की एक प्रति राष्ट्रपति जी को भेंट की गई। लोकार्पण समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जारी की गई पुस्तकें भारतीय गणतंत्र के प्रतीक राष्ट्रपति भवन की विरासत का एक समृद्ध चित्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व भाषणों का संकलन हमारे लोकतंत्र और संपूर्ण समाज के लिए अमूल्य निधि है। ये संकलन महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वंचित वर्गों, किसानों, सशस्त्र बलों और युवाओं सहित सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रपति मुर्मू की करुणा की एक प्रभावी अभिव्यक्ति है। इस पुस्तक के कवर पर चित्र और शीर्षक हमारे लोकतंत्र की कहानी को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति महोदया के प्रमुख भाषणों का संकलन हमारे लोकतंत्र और पूरे समाज का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस संकलन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य वंचित वर्गों, किसानों, सेना के जवानों एवं युवाओं सहित सभी देशवासियों के प्रति राष्ट्रपति महोदया की संवेदनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति झलकती है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर अंकित चित्र और शीर्षक आशाओं की उड़ान में हमारे लोकतंत्र की गौरव गाथा दिखाई देती है। उड़ीसा के एक सुदूर भाग में रहने वाले एक साधारण जनजाति परिवार की बेटी अनगिनत सीमाओं को पार करते हुए भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शोभा बढ़ाती है। और इस पुस्तक से लोगों को राष्ट्रपति भवन के बारे में और जानकारियां भी मिलेंगी। तो न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्द ट्राइब नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक डॉक्टर सुहेल रसूल मीर द्वारा लिखित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें छात्रों के पढ़ने के लिए रूम, मरीजों के लिए वेटिंग एरिया जिसमें 500 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब दो नए जज मिल गए हैं। इन नए जजों को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। दोनों जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 हो गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 32 थी। लखनऊ के अकबरपुर में 20 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। यहां कुकरैल नदी के किनारे 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। 20 जुलाई को शुरू हो रहे अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 1951 में असम में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 14% थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 40% हो गई है। ओखला के NSIC सेंटर में NSIC और ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। मौके पर मौजूद केंद्रीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मामलों के मंत्री जीतन राम मांझी ने NSIC के क्रेडिट फैसिलिटेशन सेंटर और ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत झारखंड के गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिशनपुर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल सरकार देश में 1 जुलाई को लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी। इसके लिए कोलकाता के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। देश के CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुरुवार के गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के जरिए लेखा परीक्षक क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर है।